By the end of June 2020, he will have been living in India for 10 years. वह जून 2020 के अंत तक 10 साल भारत में रह रहा होगा। So friends, let us understand future perfect continuous tense. फ्रेंड्स, ये टेंस फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की तरह ही होता है, जिसमें काम फ्यूचर में भी चल रहा होता है। बस इसमें फर्क यह होता है कि फ्यूचर का एक टाइम मेंशन किया होता है, जब तक वो काम चलेगा। नाउ इन दिस एग्जांपल, बाय द एंड ऑफ जून 2020 He will have been living in India for 10 years. वह जून 2020 के अंत तक 10 साल भारत में रह रहा होगा। इसका मतलब यह है कि वह पिछले 9 साल से भारत में रह रहा है और आज भी रह रहा है और अगले जून तक भी रहेगा। Similarly, इस example में he will have been working in this company for 3 years in June 2020. इसका मतलब यह है कि वह पिछले 2 साल से इस कंपनी में काम कर रहा है और आज भी कर रहा है और जून 2020 तक भी कर रहा होगा।